आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। प्रदेश में कोरोना के घटते प्रभाव को देखते हुए शासन ने रात्रि कर्फ्यू में दी छूट। अब 10 बजे के बजाय 11 बजे से लगेगा नाइट कोरोना कर्फ्यू। एडम फाइनेंस ने कहा, अब सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा के द्वारा चलाया जा रहे अभियान ऐलाने जुर्म के तहत अपराधियों के घर पर पुलिस पिटवा रही है डुगडुगी। आम नागरिकों को अपराध और अपराधियों के प्रति कर रही है जागरूक। एसपी नॉट ने कहा, अपराधियों के सक्रिय पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन पीसीएफ के प्रबंध निदेशक और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने सभी प्रबंध निदेशकों को समय से किसानों से धान खरीदने के दिए निर्देश। कहा, सरकारी और गैर सरकारी गोदामों में पर्याप्त जगह की बनाए व्यवस्था। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र तथा पॉलिटेक्निक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक। छात्रों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ। कहा, प्रदेश में न रहने पाई कोई भी गर्भवती महिला या बच्चा कुपोषित, करे उनके सुपोषण की व्यवस्था। 11 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के जागरूकता प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रचार वाहन जनपद के सभी क्षेत्रों में जाकर लोगों को लोक अदालत के प्रति करेगा जागरूक। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 117 केंद्रों पर 38,741 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 29,851 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 8,890 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। सराफा दुकानदारों द्वारा सड़कार कारीगरों का शोषण किए जाने के विरोध में सड़कार कारीगर कल्याण सेवा समिति ने 8 और 9 सितंबर को दुकान बंद रखने का किया ऐलान। कहा, निर्धारित करें कारीगरों की मजदूरी। सेंट्रल न्यूज डिग्री कॉलेज में बायोडायवर्सिटी, मेडिसिनल प्लांट्स, ड्रग डिस्कवरी एवं सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। ऑनलाइन जुड़े रहे विषय विशेषज्ञ। ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत बांसगांव पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त बबलू कुमार को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में मंगलवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,400। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 10 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीबीए, एमए प्राचीन इतिहास, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के प्रवेश परीक्षा में 1,115 अभ्यर्थी हुए शामिल। 293 ने छोड़ी परीक्षा। अभ्यर्थियों ने कहा, पेपर आया था हार्ड, उम्मीद है मिल जाएगा प्रवेश। बीबीए में फिजिकल टेस्ट और मेरिट के आधार पर होगा प्रवेश। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व के अवसर पर पैटलेगंज गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में आयोजित हुआ गुरुवाणी कीर्तन और ब्लड डोनेशन। सिख समाज के लोग हुए शामिल, दीप प्रकाश पर्व की शुभकामना। और जनपद में तीनों नदियां उतार पर। एडीएम फाइनेंस ने कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया जा रहा है राशन किट का वितरण। नावों की गई है समुचित व्यवस्था।